आगरा के मंडोला क्षेत्र की नाजिया ने उसके पड़ोस में कई दशकों से चल रहे जुए एवं सट्टे के अवैध व्यवसाय के खिलाफ आवाज उठाने का साहसिक प्रयास किया। साहसपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा कर पुलिस को दिए। धमकियों प्रताड़ना से बिना घबराए अंततः मुख्यमंत्री को ट्वीट कर इसकी सूचना देकर ये जंग नाजिया जीत गई। नाजिया, गीता चोपड़ा पुरस्कार, नेत्रावती एम चव्हाण, कर्नाटक, 14 साल 10 महीने मरणोपरांत। 13 मई 2017 को नेत्रावती ने 30 फुट गहरे तालाब में दो बालकों को डूबते हुए देखा तो वीरतापूर्वक उन्हें बचाने पानी में कूद पड़ी। एक को बचाने के बाद जब वो वापस दूसरे को बचाने गई तब दूसरे बालक के द्वारा उसकी गर्दन पकड़ लेने से दम घुट जाने से वो खुद को भी नहीं बचा पाई। इस तरह नेत्रावती ने बच्चों के जीवन बचाने में अपना जीवन बलिदान दे दिया। स्वर्गीय नेत्रावती के पिता श्री महंतेश के चव्हाण। संजय चोपड़ा पुरस्कार, करणवीर सिंह, पंजाब, 16 साल 4 महीने। 20 सितंबर 2016 अटारी गांव के पास स्कूल बस नाले में जा गिरी। करणवीर सिंह बहादुरी पूर्वक बस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकला और उसने 15 बच्चों का जीवन बचाया। वे स्वयं भी घायल हुए पर आपके अथक प्रयास से कई जीवन बच गए। करणवीर सिंह। बापू गयाधनी पुरस्कार, बेचवा जॉन, पेनलोंग, मेघालय, 12 साल 11 महीने। 23 अक्टूबर 2016 बेचवा जॉन पेनलोंग का 3 साल का छोटा भाई झोपड़ी की आग में फंस गया। बिना किसी भय के खतरे और दर्द को सहते हुए वह बच्चे को सुरक्षित आग में से बाहर ले आया। बेचवा जॉन का दाहिना हाथ और चेहरा बुरी तरह से जल गया, उंगलियां भी बुरी तरह से प्रभावित हुई पर निर्भीकता आखिर जीत गई। बेचवा जॉन पेनलोंग। ममता दलाई, उड़ीसा, 6 साल 8 महीने। 6 अप्रैल 2017 जब आसंती दलाई पर एक तालाब में 5 फुट लंबे मगरमच्छ ने हमला कर दिया तो बिना डरे ममता ने आसंती का हाथ पकड़कर खींचकर उसे बचाने के लिए अत्यंत संघर्ष किया। अंततः ममता आसंती को खींचकर ले आई और इस तरह शौर्यपूर्ण तरीके से ममता ने मगरमच्छ से एक जीवन बचाया। ममता दलाई। सेबास्टियन विंसेंट, केरला, 12 साल 3 महीने। 19 जुलाई 2016 की सुबह सेबास्टियन का दोस्त अभिजीत के उसकी साइकिल सहित रेलवे ट्रैक पर गिर जाने पर सेबास्टियन ने हिम्मत और ताकत दिखाते हुए अभिजीत को ट्रैक से दूर धकेला और स्वयं भी रेलगाड़ी आने से तुरंत पहले कलाबाजी खाते हुए ट्रैक से दूर कूद गया। इस तरह अदम्य साहस और कौशल से सेबास्टियन ने एक दुर्घटना से अपने मित्र को बचाया। सेबास्टियन विंसेंट। अन्य पुरस्कार विजेता लक्ष्मी यादव, रायपुर, 15 साल 11 महीने। लक्ष्मी 2 अगस्त 2016 की शाम 8 बजे अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल खड़ी कर बात कर रही थी तब 3 अपराधी मोटरसाइकिल छीन कर लक्ष्मी को अगवा कर सुनसान स्थान पर ले गए।
अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रख युक्तिपूर्वक लक्ष्मी ने चाबी को छुपाकर उन्हें धक्का देकर अंततः पुलिस चौकी जाकर तीन कट्टर अपराधियों को पकड़वाने में मदद की। लक्ष्मी यादव। मंशा एन नागालैंड 13 साल, एन शेंगपोंग कोनियक नागालैंड 17 साल 7 महीने, योग नई नागालैंड 17 साल 7 महीने। मेरी बनी 3 साल और चंबेन 6 साल की माता के देहांत के बाद मंशा उनकी देखभाल करती थी। रात को जब बच्चियों के पिता उन दोनों बच्चियों को मार डालने का प्रयास कर रहे थे तब मंशा ने उन्हें दूर धकेला और मदद के लिए चिल्लाई। तभी शेनपॉन और योगनई ने भी इस गंभीर खतरे विकट परिस्थिति का मुकाबला किया और इन तीनों ने एक पिता द्वारा अपनी दो बच्चियों की निर्मम हत्या के प्रयास को विफल कर दिया। मंशा एन, शेन पॉपकोनियक, युग नहीं, युग नहीं, चिंगई वांगसा नागालैंड 17 साल 7 महीने, सितंबर 2016 की सुबह जब 74 साल के बुजुर्ग घर में सो रहे थे तब उस घर में आग देखकर चिंगई ने साहसिक और सामयिक कृत्य दिखाते हुए दरवाजा तोड़ा और वो उन्हें उठाकर सुरक्षित बाहर ही नहीं लाया बल्कि दोबारा भीतर जाकर पिछले हिस्से में बंधे पशुओं को भी बचाया। चिंगई वांगसा। समृद्धि सुशील शर्मा गुजरात 16 साल 3 महीने, 1 जुलाई 2016 दोपहर समृद्धि जब घर पर अकेली थी घर की नौकरानी की पूछताछ के बहाने एक अपराधी ने घर का दरवाजा खुलवाया और एक चाकू समृद्धि की गर्दन पर रख दिया। बिना घबराए खतरे का सामना करते हुए उसने चाकू को खुद से दूर करके अपराधी को गेट के बाहर धकेला। हाथापाई में समृद्धि के हाथ की नस कट गई। अपराधी अंततः पकड़ा गया। समृद्धि की मानसिक शक्ति ने उसे सक्षम बनाया। समृद्धि शर्मा। जोनुन तुआंगा मिजोरम 15 साल 10 महीने, अगस्त 2016 की सुबह जब जोनुन तुआंगा अपने पिता के साथ जा रहे थे तो एक जंगली भालू ने उसके पिता पर हमला कर दिया और चेहरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। जोनुन तुआंगा बिना डरे शोर मचाते हुए कुल्हाड़ी जैसा हथियार लेकर निडरता से भालू का मुकाबला करके उसे भगाने में सफल हो गया और इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उसने अपने पिता की रक्षा की। जोनुन तुआंगा। पंकज सेमवाल उत्तराखंड 15 साल 10 महीने, 10 जुलाई 2016 की रात 1 बजे जब एक गुलदार ने घर में सोई मां पर हमला कर दिया तब पंकज ने बिना डरे डंडे से निर्भीकता पूर्वक गुलदार को भगा दिया। इस तरह साहसिक और धैर्यपूर्ण कृत्य के कारण उसकी माता जंगली जानवर के प्राण घातक हमले से बच गई। पंकज सेमवाल। नदाफ एजाज अब्दुल राफ महाराष्ट्र 16 साल 6 महीने,
घटना 30 अप्रैल 2017 की है, जब चार लड़कियां जलाशय में डूब रही थी, तब 20 फुट गहरे पानी में बिना किसी भय के अब्दुल उन लड़कियों की तलाश करता रहा और सभी बाधाओं का सामना करके दो को बचाने में सफल रहा। इस तरह एजाज अब्दुल रौफ ने दो अमूल्य जीवन बचाए। नदाफ एजाज अब्दुल रौफ। लोक राग पाम राजेश्वरी चनु, मणिपुर 13 साल 7 महीने, मरणोपरांत 10 नवंबर 2016, एक महिला अपनी 3 वर्ष की बेटी के साथ एक नदी में गिरकर डूबने लगी। ये देखकर राजेश्वरी चनु ने 30 फुट गहरे पानी में छलांग लगा दी। दृढ़ निश्चय के साथ बच्ची और मां को पकड़कर किनारे की ओर धकेला और उन्हें बचा लिया, परंतु गहरे पानी में लंबे समय तक संघर्ष के कारण खुद तीव्र जलधारा में बह गई। इस तरह राजेश्वरी चनु ने अत्यंत पराक्रम से दो अमूल्य जीवन बचाने के प्रयास में खुद के प्राणों की आहुति दे दी। स्वर्गीय राजेश्वरी चनु के पिता श्री लोक रागपम राजन मैतेई। एफ लल चांदामा मिजोरम 17 साल 11 महीने, मरणोपरांत 7 मई 2017, लालचंदामा के दो मित्र पानी में डूब रहे थे, तब लालचंदामा ने गहरे पानी में निर्भीकता से एक बच्चे को बचाया, परंतु दोबारा दूसरे मित्र को बचाने के प्रयास में अपने प्राणों को गवा दिया। इस तरह लालचंदामा ने अपने मित्रों की जान बचाने की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। स्वर्गीय लालचंदामा के पिताश्री श्री एल ललमल सोमा। पंकज कुमार महंत उड़ीसा 13 साल 11 महीने, तीन महिलाएं जब नदी में डूब रही थीं, तो अपने से कहीं ज्यादा वजन और ताकत वाली तीनों महिलाओं को एक एक करके पंकज ने बाहर निकाला और अपना जीवन दांव पर लगाकर साहसिक कृत्य से तीन जीवन बचाए। पंकज कुमार महंत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों, राष्ट्र आज पूरी तरह से निश्चिंत है कि हमारे और आपके सपनों का भारत तो अब बनकर रहेगा, क्योंकि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश को नए आसमान की ओर ले जा रही है। और बच्चों, हम भी आश्वस्त हैं कि जिस देश के बच्चे तूफानों से थमते नहीं, विपत्तियों से डिगते नहीं, मौत से डरते नहीं, उस देश के वजूद को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। जन जन के प्रिय, हर दिल अजीज माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभकामनाएं दें। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमती मेनका जी, जिन वीर बालकों ने अपने पराक्रम से, साहस से और अपने चातुर्य से समय को परख करके जो साहस दिखाया और जिनको आज सम्मानित करने का अवसर मिला, वैसे सभी बालक, उनके परिवारजन और उपस्थित सभी महानुभाव, इन बालकों की
साथ जुड़ी हुई घटनाएं भी उसका ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ बालकों ने अपना जीवन दे दिया, किसी के लिए जीवन दे दिया, और आज जब उनका स्मरण करते हैं तो उनके माता पिता, उनके यार दोस्त उस समय जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उन सब के मन को भी ये घटना हृदय को छूने वाली घटना होगी। और जब इन वीर बालकों के विषय में देश भर के लोग जानते हैं, अब पूरा सप्ताह भर टीवी में इनके इंटरव्यू चलते हैं, इनके विषय में बातें आती हैं, अखबारों में छपती हैं, तो और बालकों को भी एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये तो नहीं होती कि हर कोई साहस करे, हर कोई किसी के जीवन में ऐसे अवसर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन एक विश्वास पैदा होता है, अपने आप में विश्वास पैदा होता है। अगर अवसर आए तो कैसे काम करना, किस प्रकार से अपने बुद्धि चातुर्य का उपयोग करना, इसकी सहज प्रेरणा उसको मिलती है। आमतौर पर मैंने देखा है कि पिछले 4 साल से जिन जिन बच्चों को मुझे अवार्ड देने का अवसर आया है, ज्यादातर बच्चे ग्रामीण हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से हैं। और उसका एक कारण ये है कि शायद वो अपने जद्दोजहद ये उनकी जीवन का हिस्सा होता है, कठिनाइयों में मुसीबतों में संघर्ष करते हुए जीना। और शायद ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके जीवन की बातें नोटिस नहीं होती होगी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता होगा। और इसलिए हम सबके लिए ये अवश्य प्रेरणा की बात बनती है कि जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जीवन को जीने का अवसर पाते हैं और जो संघर्ष करके जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, उन दोनों की विकास यात्रा बहुत ही ऑब्जर्व करने जैसी होती है, कुछ सीखने जैसी होती है। जिन बालकों ने साहस दिखाया और जिनके साहस को लोगों ने दर्ज किया, रजिस्टर किया, वरना कभी कभार तो इतना बड़ा देश है, हर कोने में इतनी घटनाएं घटती रहती हैं, पता तक नहीं चलता है। कुछ हैं जिनका पता चलता है तो यहाँ पर अवसर मिलता है। मैं उनके अभिभावकों को, जिस स्कूल में उनकी शिक्षा हो रही है, उन स्कूल के शिक्षकों को और विशेष करके इन बालकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन जब जीवन के किसी भी काल में इस प्रकार से रिकग्नाइज होते हैं तो लोगों की अपेक्षा भी बढ़ जाती है।
एक तो पक्का हो जाता है कि हमें कुछ गलत करने का हक नहीं रहता है, क्योंकि हर कोई उसी रूप में देखता है। और दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि हाँ ये है तो सब वो कर लेगा, अपन खड़े रहो, वो बहुत हिम्मत वाला है, वो इनाम लेकर के आया है तो वही कर लेगा, तो एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो जिन बालकों को यह अवसर मिला है उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आगे की जिंदगी में हर डगर पर वो कैसे सतर्क रहे और हर पल अपने आप को और कैसे उजागर करें। जरूरी नहीं कि ऐसे अवसर ढूंढते रहें कि चलो भाई मैं और कोई साहस दिखा दूं, ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जीने का तरीका जरूर उसमें बाकियों से अलगाव नजर आता है, कुछ ज्यादा अच्छा नजर आता है। और मैं आशा करता हूं कि सभी बालक इसे एक अवसर माने, जो साहस के कारण आपको यहां तक आने का अवसर मिला वो एक बात है, लेकिन अब घटनाएं घटने वाली नहीं है, अब खुद को घड़ना पड़ता है, खुद को तैयार करना होता है, और वो सबसे कठिन काम होता है। उस कठिन काम को आसानी से आप कर पाए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।